हाय। आ गए तुम? हाँ। तुमने अपनी वाइफ से बात की हमारे बारे में? Yes, I tried, but मैं नहीं कर पाया यार। पर क्यों? तुमने कहा था कि तुम बात करोगे। यार हरप्रीत, मैं नहीं कर सकता बात उससे। अगर मैंने उससे बात की ना तो वो सुसाइड कर लेगी और मेरी बच्ची को जहर दे देगी। क्या तुम चाहती हो ये सब हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हमारे बारे में क्या? आई डोंट नो। और हाँ, अगर तुम ये सब चाहती हो ना तो मुझे लगता है फिर हमारे रिलेशन को ना यही खत्म करना पड़ेगा। नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। दैट्स गुड, ग्रेट। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं यार, वो मुझे ना इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों यार? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे ऊपर लोन है और मैं नहीं चाहता कि मैं यूं ही कर्जे की जिंदगी जीता रहूं। इसीलिए उस लोन को चुकता करने के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। सुनो, तुम ना टेंशन मत लो, मेरे पास ना मेरी कुछ सेविंग्स है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी, तुम उससे अपना लोन चुका सकते हो। नो अर्पित, तुम ऑलरेडी मेरी फाइनेंशियल मदद कर चुकी हो, ये गलत है। नहीं नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, मैं तुम्हें दे दूंगी। Are you sure? हाँ ठीक है फिर। यू नो वॉट अर्पित, मैं ना किसी से भी शादी कर सकता था लेकिन तुम मेरी ट्रू सोलमेट हो। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं गाड़ी लेके आता। अच्छा हरप्रीत, जो तुम पैसे मुझे देने वाली थी वो तुम कल तक अरेंज कर सकती हो इफ पॉसिबल? हाँ मैं ले आऊँ। ठीक है, तुम नीचे आओ, मैं गाड़ी लेके आता। हाँ बताओ, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी तो तुमने मुझे अचानक से बुलाया? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें एकदम से बुलाना पड़ा। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मुझे बोल रहे कि मैं शादी कर लूँ किसी और से। हाँ तो कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? क्या बोल रहे हो? और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? हरप्रीत, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फॉर दिस टाइम पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए कर लो शादी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। देखो अर्पित, तुम्हारी शादी के बाद भी ना हमारा रिलेशन ऐसा ही चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं भी तो मैरिड ही हूँ ना, कोई फर्क पड़ा? और हाँ यार, आगे से ना मुझे ये पार्किंग में मत बुलाना ये सब डिस्कस करने के लिए। आई विल टॉक टू यू ऑन फोन कॉल, बाय। हाय अर्पित। हाय, तुम जा रहे हो? अब बस दो मिनट। हाँ नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। क्या उसने अपनी बीवी से तुम्हारे बारे में बात करी? नहीं अभी तो नहीं, बट हाँ जल्दी कर लेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हें यूज कर रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर है? क्या वो तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देगा? देखो सच बताऊँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब, मैं क्या ही बोलूँ। तो तुम क्यों रह रही हो उसके साथ? छोड़ दो ना उसको। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना रहने का इमेजिन भी नहीं कर सकती यार। ये प्यार नहीं होता, इसे प्यार नहीं कहते अर्पित, ये बस इनसिक्योरिटी है। तुम्हें लगता है कि उसके जैसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। देखो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये सबसे निकलने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है टाइम ले लो तुम, पर इस नॉनसेंस चीज से बाहर आओ। तुम्हें थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होगी, बाकी आगे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू सो मच हाँ मुझे इतना समझाने के लिए, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। बट हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सबसे बाहर निकलने के लिए। चलें।